बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बजट कॉलर माइक की, जो कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ऑडियो सैंपल, जिसकी मदद से आप जान पाएंगे कि किस लेवल की आपको ऑडियो क्वालिटी इसमें मिल सकती है और आपको किस लेवल की क्वालिटी मिलेगी अगर आप माइक यूज नहीं करते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक्चुअली इस बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले आप इसे ओपन करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इसके अंदर ये डब्बा सा मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। एक्चुअली ये जो है माइक है, बोया का है, लेवियर माइक्रोफोन बाय एमवनटी का कुछ इस तरह का शायद जिसका नाम है। इसके अलावा एक साइड पे आपको इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, क्या कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी एक्चुअली ये क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, ठीक है, PC सबके लिए अवेलेबल है। आपके पास कौन सी भी डिवाइस हो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्पेसिफिकेशंस होंगी वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम इसे अनबॉक्स करते हैं और जान लेते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है एक आई थिंक ये माइक होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएँ तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जिसके बारे में कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि मैं इसे रीड कर पाऊंगा, तो इसलिए हम इसे साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिल जाएगी क्विक स्टार्ट गाइड, अगर हम यहाँ पे इसे देख लें तो यहाँ पे डेफिनेटली वही चीज़ें होंगी कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये अभी सेटअप किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आप इसे पहली बार देखेंगे, पहली बार आपको मिलेगा, उसके बाद आपको सेटअप करना पड़ता है, कुछ बैटरीज वगैरह होती हैं जो कि आपको अंदर डालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्विक स्टार्ट गाइड है जो कि अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये भी मिल जाएगा, ये एक्चुअली अगर आप किसी शायद ये आपके काम का हो सकता है बट मेरे काम का तो डेफिनेटली नहीं है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा हम इसे रखते हैं इन सब चीज़ों को साइड में और देख लेते हैं कि एक्चुअली इस ब्लैक बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। एक्चुअली ये बैग सा है, बॉक्स तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हेयर्स द फोन माइक्रोफोन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली आपको मिलने वाला क्या है। दोस्तों जब भी आप इसे पहली बार ओपन करेंगे ये सारी चीज़ें अलहदा होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं अगर दिखा दूँ इसे ओपन करके तो यहाँ पे एक डलता है सेल, ठीक है, आप इसे बैटरी भी कह सकते हैं, जो कि आपको सब कुछ अलहदा अलहदा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल है जो कि आपने डालना होता है यहाँ पे, उसके बाद आप इसे चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप एक बटन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आप जब इसे बंद कर दें तो उसके बाद ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पर मिल जाता है एक क्लिप, ठीक है, जो कि आप कॉलर से चिपका सकते हैं जब भी आप यूज़ कर रहे हों, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलहदा अलहदा होंगी तो इन्हें आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो सबसे यूनिक बात और सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो वायर बहुत ही ज़्यादा लंबी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे जैसे ही ओपन करता हूँ यहाँ पर काफ़ी लंबी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा लंबी आप देख मैंने कभी वायर नहीं देखी माइक्रोफोन के साथ, आप एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जाके भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतनी लंबी वायर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ से सबसे पहले हम इसे एक और वायर है, ठीक है, इसे हम जैसे यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी और वायर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेटली एक रूम में अगर आप हों तो दूसरे रूम में आप इजीली जाके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतनी लंबी वायर आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाने वाला हूँ, एक नॉर्मल स्मार्टफोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो और एक माइक से रिकॉर्ड की गई वीडियो से, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आपको एक्चुअली क्वालिटी क्या मिल रही होती है, ठीक है। दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है मोबाइल फोन के बिल्ट इन माइक से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड नॉइसेज आ रही होंगी वो भी काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एडिशनल ऐप मैं यूज़ नहीं कर रहा, जो कि बिल्ट इन ऐप होती है, बिल्ट इन माइक है, सब कुछ वही यूज़ हो रहा है स्मार्टफोन का। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड नॉइस भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है, ठीक है। इसके अलावा जब भी मैं बात खत्म करता हूँ तो पॉज लेता हूँ, वैसे ही आपको काफ़ी बैकग्राउंड से नॉइसेज आ रही होती है, ठीक है। अभी मैं खामोश करता हूँ तो आप बैकग्राउंड नॉइस चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस होती है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग हो सकती है आपके कंटेंट के लिए, और हो सकता है आपका कंटेंट इसलिए ना चल रहा हो क्योंकि ये बैकग्राउंड नॉइस जितनी भी होती हैं वो आपके कंटेंट को काफ़ी हद तक आप कह सकते हो सुनने वाले को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो आपका कॉन्टेंट नहीं देखता, आपकी वीडियो छोड़ के चला जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक्चुअली अगर आप ये माइक यूज़ करते हैं तो आपको किस लेवल की ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी। फ्रेंड्स अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है इस माइक से, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी का फोरग्राउंड ऑडियो मिल जाएगा,
जाएगा। इसके अलावा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा कम मिलेगा आपको बनिस्बत स्मार्टफोन के। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी का जितने भी ज्यादा पैसे वाला माइक्रोफोन ले लें, माइक ले लें, उसमें बैकग्राउंड नॉइस रहता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी माइक का काम ही यही होता है कि वो नॉइसेस कैप्चर करता है, चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे फोरग्राउंड हो, चाहे आप बोल रहे हो चाहे जो बैकग्राउंड से नॉइसेस आ रही होती है, उसका काम है उनको कैप्चर करना, ठीक है। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का माइक होगा वो आपको फोरग्राउंड ज्यादा प्रोवाइड करेगा, आपकी जो आप कह सकते हो जो आप बोल रहे होते हैं उसकी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो बैकग्राउंड होता है उसकी क्वालिटी ज्यादा नहीं होगी, यानी कि वो बैकग्राउंड नॉइस होता है, तो अच्छे माइक का काम ही ये है कि आप अच्छी क्वालिटी में ना दे, यानी कि ज्यादा आपको सुनाई ना दे। तो अगर थोड़ा बहुत जो रहता है ऑडियो में डिफरेंस आप कह सकते हो बैकग्राउंड में रहता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत शोर शराबा इस तरह का, उसे आप पोस्ट में जाके चेक कर एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग में जाके आप उसे ऑटो एनहेंस कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड नॉइज का ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे होते हैं यहाँ पे आपको उन हर किसी सॉफ्टवेयर में आपको ये ऑप्शन टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिनसे आप अपने कॉन्टेंट को अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो ये मुझे मिला है तकरीबन 1750 या फिर 1800 रुपए में, और इसकी जो वेबसाइट पर कीमत लगाई गई थी वो थी मेरे ख्याल में 1622 के कुछ इस तरह रुपए थी, ठीक है। तो यहाँ पे शिपिंग चार्जेस ऐड करके तकरीबन 1800 रुपए में मुझे पड़ गया, ठीक है। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैंने ये खरीदा draws.pk से, जो कि आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 1700-1800 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर आपके पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको एक और माइक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आपको draws.pk से ही मिलेगा, और वहां पे आपको मिल जाएगा वो माइक तकरीबन 200 से 300 रुपए के बीच में, ठीक है, 200 कुछ समथिंग 200 से ऊपर उसके रुपीज ओरिजिनल कीमत है, और शिपिंग चार्ज ऐड करके तकरीबन 300 रुपए में वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। तो अगर आप इस माइक पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है 1700-1800 रुपए ज्यादा है, तो आप वो माइक चेकआउट कर सकते हैं जो सिर्फ आपको 300 रुपए में मिल जाएगा, और आपके मोबाइल फोन या फिर DSLR के जो बिल्ट इन माइक होते हैं उनसे काफी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल वी हैव this video. I will meet you in the next one. This is Naseeb Khan and I'm signing out.